नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। पिछले क्लास में हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का फर्स्ट क्लास में देखे थे कि जब दो लाइट वेव जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो उसके एम्पलीट्यूड का मान निकाले थे, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का भी मान निकाले थे और मिनिमम एम्पलीट्यूड का भी मान निकाले थे। उस बात को आज फिर से थोड़ा सा समझिए और आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ए बराबर आपको इतना लिखा है, जब एफ आई आपका 0 डिग्री है तो ए मैक्स का मान निकाले थे A1 प्लस A2 के बराबर था, और जब फाई आपका 180 डिग्री था, 180 डिग्री था, तो A मिनिमम का जो मान हम लोग निकाले थे वह A1 माइनस A2 के इक्वल था। ये दो बात हम लोग देख चुके हैं। अब आगे की बात थोड़ा सा समझिए। देखिए कि इंटेंसिटी ऑफ ए वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी जो होता है किसी वेव का वह एम्पलीट्यूड के स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। 11th क्लास में भी हम लोग देखे होंगे, मतलब कि आई जो होता है वह ए स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इससे हम लोग सूत्र निकाल सकते थे कि आई मैक्स का यदि मान हम लोग निकालेंगे, देखिए यहां पर आई मैक्स का जब मान निकालेंगे तो हम लोग कहते हैं कि A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर है, और आई मिनिमम का यदि मान हम लोग निकालते तब हम लोग कहते हैं कि A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर है। इन दोनों का यदि रेशियो निकाला जाए कि आई मैक्स बटा में आई मीन बराबर, तो हम लोग कहेंगे कि A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बटा में A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर होता है। इसे नोट भी कर लीजिएगा आप लोग। यहां से आप ये भी एक बात निकाल सकते हैं कि A1 बटा में A2 जो होता है वह रूट अंदर I1 बटा में I2 के इक्वल होता है, क्योंकि देखिए यहां I जो होता है इसके स्क्वायर का होता है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट में चला जाएगा। इस बात को पहले थोड़ा आप लोग नोट कर लीजिए, तब आगे इसमें समझाते हैं, क्वेश्चन देते हैं। नोट कर लिए होइएगा आप लोग। देखिए यहां पर हम लोग आई मैक्स और आई मीन का रेशियो देखिए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मैक्सिमम और मिनिमम जो है रेशियो क्या होता है, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अगर इंटेंसिटी दिया हुआ हो तो एम्पलीट्यूड का भी रेशियो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए अभी हम लोग क्या देखते हैं कि आई जो होता है वह एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो फॉर टू डिफरेंट केस चूंकि दो लाइट वेव तो फर्स्ट की इंटेंसिटी अगर I1 कहते हैं, सेकंड की इंटेंसिटी I2 कहते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि I1 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A1 स्क्वायर। इसका मतलब कि I1 जो होगा वह के A1 स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा। उसी ढंग से I2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A2 स्क्वायर, और I2 का मान निकालेगा यहां पर तो के A2 स्क्वायर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो हम लोग लिखे थे A बराबर,
देखा हमने कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इनटू cos थीटा, ये आप लोग लिखे थे। यहां से देखिए कि i r बराबर रिजल्टेंट इसका मान k a स्क्वायर इक्वल और a स्क्वायर का मान आपके सामने है, इस पे स्क्वायर कर दीजिएगा तो रूट खत्म हो जाएगा, तो आपका बचेगा कि k a2 a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इनटू cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब यहां से a1 स्क्वायर का a2 स्क्वायर का मान निकाल करके यहां पर रख दीजिए, नोट कीजिए पहले तब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए आगे हल कर देते हैं, इसे मिटा देते हैं। आई आर बराबर यहां के जे के तो रख दीजिए, a1 स्क्वायर का मान यहां से निकालिएगा तो हो जाएगा i1 बटा में के, a2 स्क्वायर का यहां से मान निकाल दीजिए तो i2 बटा में के हो जाएगा प्लस 2a1 का मान निकालिए, a1 का मान निकलेगा तो रूट अंदर हो जाएगा। देखिए यहां से अगर a1 बराबर निकालेगा तो i1 / k का रूट हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसका मान रखिए कि रूट अंदर i1 / k * रूट अंदर i2 / k, ये टू का मान हो गया * cos थीटा, जब कितने हो गया मान रख दिए सबका। अब आप हल कीजिए तो k into i1 plus i2 plus 2 root अंदर i1 i2 into cos phi, बटा में है आपका k तो ये k के आपका कट गया, तो resultant intensity का जो मान होगा वो होगा i1 plus i2 plus 2 root अंदर i1 i2 into cos phi के इक्वल हो जाएगा। ये भी सूत्र आप लोग याद कर लीजिए। देखिए यहां पर हम लोग रिजल्टेंट इंटेंसिटी का मान निकालती है, a मैक्स का मान सीख लिए, a मिनिमम का भी मान निकाल दीजिए, i मैक्स का भी मान निकाल दीजिए और i मिनिमम का भी मान निकाल लिए। अब इस पर थोड़ा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पहले इसे आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर करके भी लिखते रहिएगा। अब देखिए इस पर आप लोगों को हम एक क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन में इलाइट वे फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्स हैविंग इंटेंसिटी आई एंड टू आई क्रॉस ईच अदर एट ए पॉइंट विथ ए फेज डिफरेंस ऑफ 60 डिग्री, व्हाट इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो उस पॉइंट पर जो है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन से क्या है, आई एंड टू आई दिया हुआ है, आई वन का मान आपको दिया हुआ है आई, आई टू का मान आपको दिया हुआ है टू आई और फेज डिफरेंस का भी मान आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, हाई का मान दिया हुआ है 60 डिग्री। अभी हम आपको बताएंगे कि आई आर का जो मान होता है वह रूट अंदर आई आर का जो मान होता है वह होता है आई वन प्लस आई टू प्लस टू इंटू रूट अंदर आई वन आई टू कॉस फाइव के इक्वल होता है। मान रख दीजिए इसका मान है आई, इसका मान है टू आई प्लस टू इंटू रूट अंदर आई इंटू टू आई इंटू कॉस 60 डिग्री, आई और टू आई आपका मिलकर हो गया 3i प्लस 2, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रूट अंदर 2i हो जाएगा, cos 60 डिग्री का मान बनता है 1/2, तो 2 कट जाएगा, इन दोनों में से i कॉमन निकाल, तो i r बराबर देखिए i कॉमन जब निकलेगा तो 3 प्लस रूट 2 हो जाएगा, i इंटू 3 प्लस रूट अंदर 2 हो गया। रूट 2 का मान आप लोग जानते हैं कि 1.414 होता है,
इसको जोड़ दीजिए तो 4.41 × IT। इस ढंग से ऐसे प्रश्न को हम लोग बना सकते हैं। नोट कर लीजिए। इसे आप लोग बना लिए रहिएगा, वीडियो को पॉज करते ही धीरे धीरे आप लोग लिखते रहिएगा और इंटरेस्ट के साथ जो है पढ़ते रहिएगा नंबर आकर के। अगला क्वेश्चन देखिए, आप देखिए इसे क्या देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लाइट वेव फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटी इन द रेशियो 64:1 प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस उत्पन्न कर रहा है। कैलकुलेट द रेशियो मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न। मतलब कि मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो आपको निकालना हुआ है, जबकि टू लाइट सोर्स के इंटेंसिटी का रेशियो 64:1 दिया हुआ है। देखिएगा, समझिएगा थोड़ा सा। I1 रेशियो I2 का मान आपको दिया हुआ है, 64:1 दिया हुआ है। आपसे कहा है कि I मैक्स रेशियो I मीन का मान आप बताइए कि क्या होगा। क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, हम अभी आपको बताए कि I1 बटा में I2 जो होता है वह A1² / A2² के इक्वल होता है। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से A1 / A2 का यदि मान निकालते हैं तो रूट अंदर I1 / I2 के इक्वल हो जाएगा। मान रखिए तो 64/1 हो जाएगा, 8/1 हो जाएगा। 64 का वर्गमूल निकाल दीजिए, 8 हो जाएगा, इसका मान आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए कि I मैक्स बटा में I मीन का आपको मान बताया था कि A1 + A2 का होल स्क्वायर होता है बटा में A1 - A2 का होल स्क्वायर होता है। तो 8 + 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए और 8 - 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए। 9 का स्क्वायर हो गया आपका 81 और यह हो गया 77:49। इसका मतलब कि I max रेशियो I mean का जो मान होगा वह 81:49 के आपका इक्वल होगा। इस ढंग से आप ऐसे प्रश्न को भी जो है बना सकते हैं और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है जिस पर की परीक्षा में अक्सर हां जो है क्वेश्चन आते रहते हैं। आई ड्यूएल भी है, इस पर ध्यान दीजिएगा। आप नोट कीजिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। I1 I2 का रेशियो दिया हुआ था, I मैक्स और I मीन का रेशियो निकालना। अगर एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछता तब तो 8:1 हो जाता। ये भी कभी कभी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव वगैरह क्वेश्चन में बनाते समय में, लेकिन I मैक्स बट I मीन का रेशियो कहेगा तो इतना हो जाएगा। हो गया, चलिए आगे देखा जाए। एकदम बहुत अच्छे ढंग से मन लगा करके जो है हम लोग पढ़ते रहेंगे और इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ते रहिएगा। कोरोना काल में घर से बाहर निकलना जरूरी नहीं है और वीडियो को भी लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि हम आपके लिए जो है और अच्छे से अच्छे वीडियो जो है आपके लिए लाते रहे। कोशिश करेंगे कि और अच्छा हम लोग वीडियो बनाए। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन आप लोग बनाइए। व्हाट इज कोहेरेंट सोर्स क्या है?
तो आप लोग पहले लिख लीजिए कोहेरेंट सोर्स लिख करके डैश दे करके कि टू सोर्सेस आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे कंटीन्यूअसली इमिट लाइट वेव ऑफ सेम वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड और जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए फेज डिफरेंस का माने या तो कांस्टेंट या डिफरेंस जीरो हो वैसे सोर्स जो होते हैं कोहेरेंट सोर्स कहलाते हैं देखिए कहने का अर्थ हुआ यह लाइट वेव एक दूसरा यहां लाइट वेव हो गया अगर यहां से यहां तक के डिस्टेंस तो देखिएगा कि इसका मान अगर लैम्डा है तो यह सेम चीज है सेम पोजीशन में होना चाहिए इसका भी मान लैम्डा है ये लैम्डा का दोनों का जो मान होना चाहिए आपस में क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए अगर इसका एम्पलीट्यूड ए है तो इसका भी एम्पलीट्यूड ए होना चाहिए या ए है तो इसका भी एम्पलीट्यूड ए होना चाहिए या एम्पलीट्यूड दोनों का क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए और एक रिवॉल्यूशन एक चक्र में जो एक वन सेकेंड में जो चक्र पूरा होता है उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं तो इतना फिर एक चक्र में जो एक फ्रीक्वेंसी इसका मान होना चाहिए उतना ही फ्रीक्वेंसी जो है सेकेंड वेव का भी होना चाहिए देखिए वेवलेंथ सेम होना चाहिए फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए और दोनों का फेज या तो कॉन्स्टेंट होना चाहिए या उसका फेज डिफरेंस जो होना चाहिए वह जीरो भी हो सकता है अगर दोनों का बराबर फेज का मान है तो घटाएंगे तो अपन क्या हो जाएगा वह जीरो हो जाएगा तो ऐसे सोर्स को हम लोग जो है कोहेरेंट सोर्स कहते हैं कोहेरेंट सोर्स के बारे में जानना इसलिए जरूरी है कि दो कोहेरेंट सोर्स ही हमेशा जो है इंटरफेरेंस उत्पन्न करते हैं मतलब कि इंटरफेरेंस उत्पन्न होने के लिए दो लाइट वेव को जो है कोहेरेंट होना जरूरी है इसलिए कोहेरेंट सोर्स को जानना जरूरी है कि कैसा लाइट वेव जो है कोहेरेंट सोर्स इंटरफेरेंस पैटर्न उत्पन्न करते हैं तो दोनों लाइट वेव को क्या होना चाहिए कोहेरेंट होना चाहिए कोहेरेंट का मतलब उनका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए फ्रीक्वेंसी भी सेम होना चाहिए उनका वेवलेंथ सेम होना चाहिए और फेज डिफरेंस या तो जीरो होना चाहिए या फेज डिफरेंस का मान जो है कॉन्स्टेंट होना चाहिए तो ऐसे सोर्स जो होते हैं वह कोहेरेंट सोर्स कहलाते हैं नोट कर लीजिए इसे अगर सेम सोर्स से दो वेव उत्पन्न होते हैं तो वे कोहेरेंट हो सकते हैं लेकिन अगर दो वेव जो है टू डिफरेंट सोर्स से उत्पन्न हो तो वे कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते एक एग्जांपल समझिए मान लीजिए कि हम लोग दो बल्ब लाते हैं एक बल्ब हो गया आपका यह ये आपका जो है 100 वाट का और सेम कंपनी का एक और बल्ब लाते हैं हम लोग ये बल्ब भी जो है आपका 100 वाट का है दोनों से जो है टू लाइट वेव जो है उत्पन्न हो रहे हैं प्रोड्यूस हो रहे हैं तो देखिए दोनों अगर सेम वाट का है तो इनका हो सकता है कि वेवलेंथ समान हो जाए फ्रीक्वेंसी समान हो जाए एम्पलीट्यूड भी समान हो जाए लेकिन टू डिफरेंट सोर्स से उत्पन्न वेव के कभी भी फेज जो है समान नहीं होते अब जब फेज समान नहीं होगा तो टू डिफरेंट सोर्स से जो लाइट वेव उत्पन्न होता है वो कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकता है इस बात को नोट कर लीजिएगा आप लोग कि टू डिफरेंट सोर्सेस कैनॉट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस एंड कोहेरेंट वो नहीं हो सकते टू डिफरेंट सोर्सेस कैनॉट बी ए कोहेरेंट सोर्स कोहेरेंट सोर्स नहीं हो सकता है
नोट कर रहे हैं आप लोग। चलिए अब आगे क्वेश्चन लिखा जाए। इस बात को नोट कर लिए होगा कि टू डिफरेंट सोर्सेस जो है नेवर बी ए कोहेरेंट सोर्स। क्वेश्चन बनाइए आप लोग। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैलकुलेट विड्थ ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। देखिए फ्रिंज पहले क्या है, जब दो लाइट वेव जो कोहेरेंट हो मतलब उनका एम्पलीट्यूड सेम हो, वेवलेंथ सेम हो, सेम पथ में अगर ट्रेवल करते हैं तो उन वेव का जो है सुपरपोजिशन होता है और सुपरपोजिशन के फलस्वरूप जो है स्क्रीन पर ब्राइट डार्क अल्टरनेट जो है फ्रिंज प्राप्त होता है, पट्टी प्राप्त होता है, रंगीन पट्टी टाइप का। एक बार ब्राइट होगा तो एक बार डार्क होगा, एक बार ब्राइट होगा तो एक बार डार्क होगा। इस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो जो स्क्रीन पर ब्राइट और डार्क फ्रिंज प्राप्त होता है उसका जो है विड्थ कितना होता है, उसकी चौड़ाई कितनी होती है, इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। डार्क और ब्राइट फ्रिंज का विड्थ कितना होता है। देखिए यंग ने अपने प्रयोग में क्या किया, एक सोर्स से दो कोहेरेंट सोर्स प्राप्त किया, एक लाइट सोर्स ले लिया उससे जो है दो कोहेरेंट सोर्स प्राप्त किया। कहने का अर्थ हुआ कि यहां पर एक सिंगल स्लिट ले लिया, स्लिट मतलब बारीक छिद्र जिससे प्रकाश आर पार आ जाता हो, ऐसे बारीक छिद्र जो होगा ना उससे प्रकाश आर पार जाता है। यहाँ एस वन स्लिट एस स्लिट हो गया, इसको सिंगल स्लिट कहते हैं, सिंगल स्लिट। इससे इक्वी डिस्टेंस पर समान दूरी पर दो सोर्स लिए, एक स्लिट एस वन हो गया, एक स्लिट हो गया एस टू, एक एस वन है एक है एस टू। इससे इसका डिस्टेंस और इससे इसका डिस्टेंस जो है वह इक्वल होना चाहिए और ये दोनों कोहेरेंट सोर्स ये डबल स्लिट हो गए, डबल स्लिट। जब यहां से वेव चला इस स्लिट से तो यहां पर जो है स्क्रीन लगा हुआ था, इस स्क्रीन पर क्या पाया गया कि अल्टरनेट ब्राइट डार्क, इधर डार्क माने यहां पर डार्क हो गया फिर ब्राइट हो गया फिर यहां पर डार्क हो गया, ऐसा अल्टरनेट जो है पट्टियां प्राप्त होती गई इस स्क्रीन पर। पहले इस फिगर को दीजिए आप लोग, अब आप लोग इस बात को लिख लीजिए डायग्राम देने के बाद में। इन दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में S इज द सिंगल स्लिट, S आपका सिंगल स्लिट है एंड S1 एंड S2 आर टू इक्वी डिस्टेंस स्लिट फ्रॉम S। S1 और S2 जो है दो स्लिट जो है जो कि S से इक्वल डिस्टेंस पर, इक्वी डिस्टेंस पर। जब मोनोक्रोमेटिक लाइट, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज अबाउट टू पास थ्रू एस,
जब मोनोक्रोमेटिक लाइट एस से पास करता है तो हम लोग को स्क्रीन पर जो है अल्टरनेट ब्राइट डार्क की अल्टरनेट जो है बैंड्स प्राप्त होते हैं, और ये बैंड्स भी जो होते हैं वह इंटरफेरेंस फ्रिंज कहलाते हैं, इंटरफेरेंस फ्रिंज कहलाते हैं। इस बात को नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, देखिएगा। हेडिंग बना दीजिएगा कि कैलकुलेशन ऑफ विड्थ ऑफ फ्रिंज, फ्रिंज के विड्थ की गणना, इसका चौड़ाई कैसे निकालेंगे। समझिए, दो स्लिप था, एक स्लिप था S1, एक स्लिप था S2। इससे जो वेव निकला यहां पर गया, इससे यहां गया, यह वेव हो गया, यहां से वेव। यह स्क्रीन था आपका, यह था स्लिप था, यह 90 डिग्री है। मान लीजिए कि दोनों स्लिप के बीच का जो डिस्टेंस है वह 2d है। अगर यह मिडिल पॉइंट है तो इतना डिस्टेंस को हम लोग d कहेंगे, इसको भी हम लोग d कहेंगे। स्लिप से स्क्रीन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है आप लोग कैपिटल d मान लीजिए, इसको हम लोग कैपिटल d मान लीजिए। और इस स्क्रीन पर मान लीजिए कि यहाँ पर P0 है, यहाँ P पॉइंट है, जो फ्रिंज प्राप्त हुआ उसको हम लोग XN मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का मान अगर आपका XN है और यह D है तो इस डिस्टेंस को निकालिएगा तो क्या होगा कि XN माइनस D हो जाएगा। देख लीजिए फिर से, इस पूरा फ्रिंज का विड्थ को हम लोग एक्सन मानेंगे, जहां पर कि फ्रिंज प्राप्त हुआ है स्क्रीन पर उसको एक्सन मान लिए। यह मान अगर आपका एक्सन है और इतना मान डी है तो इसका मान क्या होगा, एक्सन माइनस डी के इक्वल हो जाएगा। और देखिए यहां से यहां तक का मान आपका एक्सन है और इतना है जो छोटा डी है, तो एस टू से लेकर के यहां तक का दूरी इसको ये मान लेते हैं। यह पूरा जो दूरी देखिएगा तो यह मान आपका हो जाएगा xn प्लस d के इक्वल हो जाएगा। इस फिगर को पहले आप लोग दे दीजिए और लिख भी देते हैं कि लेट कैपिटल d बराबर, कैपिटल d क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन स्लिप एंड अ स्क्रीन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस between slit and a screen 2d बराबर। देखिए दोनों slit के बीच का हम लोग width माने थे 2d, बीच का दूरी हो गया, distance between, distance between टू स्लिट, दोनों स्लिट के बीच की दूरी को हम लोग क्या मान लिए है, टू डी मान लिए। एक्सएन बराबर स्क्रीन पर वह पॉइंट जहां जो है आपका फ्रिंज प्राप्त होता है, द पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर फ्रिंजेस आर ऑब्टेंड, जहां फ्रिंज प्राप्त होती है। देखिए क्लियरली डायग्राम से स्पष्ट है
m से लेकर के s1 का जो मान होगा s1 m बराबर वह होगा xn माइनस b के इक्वल और s2 m का जो मान होगा वह xn प्लस d के क्या होगा इक्वल होगा। दो लाइट वेव तो ले टू लाइट वेव ऑफ इक्वेशन y1 बराबर a1 sin ओमेगा t प्लस अल्फा 1 एंड y2 बराबर a2 sin ओमेगा 2 प्लस अल्फा 2 प्रोड्यूसेस इंटरफेरिंग इंटरफेरिंग स्टार्ट। इसका इक्वेशन हम लोग मान लें y बराबर a sin ओमेगा t प्लस अल्फा 1 है। इसका इक्वेशन हम लोग मान लें कि a sin ओमेगा t प्लस अल्फा 2। देखिए इसमें y1 को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, a को एम्पलीट्यूड कहा जाता है, इसे फेज कहा जाता है। तो यह फर्स्ट वेव का फेज हुआ, यह जो हुआ सेकंड वेव का फेज हुआ। तो फेज डिफरेंस का मान निकालिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए फेज ऑफ फर्स्ट वेव इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस अल्फा वन। उसी ढंग से फेज ऑफ सेकेंड वेव यह हो गया आपका ओमेगा टी प्लस अल्फा टू हो गया। तो फेज डिफरेंस निकालिए, दोनों का फेज डिफरेंस जब हम लोग निकालेंगे इसका रास्ता बड़ा है, इसका रास्ता छोटा है। तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा दीजिए कि ओमेगा टी प्लस अल्फा टू में से घटा दीजिए कि ओमेगा टी माइनस अल्फा ओमेगा टी आपका कट जाएगा। तो फिर डिफरेंस का मान हो गया अल्फा टू और इसका माइनस अल्फा वन हो गया। अब समझिए कि अल्फा वन है क्या और अल्फा टू है क्या। तो पहला वेव जो है यहां से यहां तक जाने में जो एंगल बनाता है उस एंगल को हम लोग कहेंगे अल्फा वन, और सेकेंड वेव जो है एस टू से पी जीरो तक जाने में जितना एंगल बनाता है उसे हम लोग कहेंगे अल्फा टू कहते हैं। अब आप लोग वेव में पढ़े होइएगा कि कोई वेव जो है अगर यहां से इतना दूर तक जाता है तो लेमडा डिस्टेंस पूरा करता है, यहां से यहां तक जाने में वह लेमडा डिस्टेंस पूरा करता है। इस मान को हम लोग जीरो डिग्री लिखते थे, यहां पर 90 डिग्री होता है पाई बाई टू, इसे पाई कहते हैं। इस मान को आप लोग 3 पाई बाई टू साइन थीटा के ग्राफ में आप लोग देख सकते हैं यह 2 पाई होता है। मतलब कि 2 पाई एंगल जब बनता है तो लेमडा डिस्टेंस पूरा करता है, चाहे लेमडा डिस्टेंस पूरा होने में कोई वेव जो है 2 पाई का एंगल बनाता है। तो समझिए थोड़ा सा इस बात की इतना मिटा देते हैं पहले। एंगल मेड बाय वेव इन ट्रेवलिंग डिस्टेंस लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई। लेमडा डिस्टेंस ट्रेवल करने में 2 पाई का एंगल बनाता है। तो अब देखिए एंगल कितना बना यूनिट डिस्टेंस जाने में, तो यूनिट डिस्टेंस पर जब निकालिएगा यह 1 होगा तो 2 पाई बटा में लेमडा के बराबर हो जाएगा। तो फर्स्ट वेव जो गया है एस वन से पी जीरो तक गया है, तो एस वन से पी तक जाने में जीरो तक जाने में कितना एंगल बनेगा कि 2 पाई बटा में लैम्डा में आप s1 की जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं। इस मान को ही हम लोग कहते हैं अल्फा 1। हम क्या कहे कि फर्स्ट वेव द्वारा
यहां से यहां तक जाने में बना जो कोण होता है उसी को हम लोग पवन कहते हैं। उसी ढंग से आप निकालिए कि h टू p 0 डिस्टेंस जाने में कितना एंगल बनेगा, तो 2 पाई बटा में लैम्डा इनटू h टू p के इक्वल हो जाएगा p 0 के। यह मान हो गया आपका अल्फा 2 के इक्वल। अब अल्फा 2 और अल्फा 1 का मान यह जो निकाले हैं यहां पर रखते हैं, तो फेज डिफरेंस का जो मान हुआ फेज डिफरेंस इज इक्वल टू फेज डिफरेंस इज इक्वल अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 था। अल्फा 2 का मान देखिए कि 2 पाई बाय लैम्डा इनटू s1 h2 p0 माइनस 2 पाई बाय लैम्डा इनटू h2 s1 p0 के बराबर। यहां से 2 पाई बाय लैम्डा कॉमन निकाल लीजिए तो यह हो जाएगा कि h2 p0 माइनस s1 p0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये तो सेकंड वेव द्वारा पूरा किया गया पथ है और s1 p जो है फर्स्ट वेव द्वारा पूरा किया गया पथ है। तो इन दोनों को पथ डिफरेंस इन दोनों को क्या कहेंगे पर डिफरेंस करेंगे। तो फेज डिफरेंस बराबर जो होता है फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पथ डिफरेंस के इक्वल होता है। पथ डिफरेंस के इक्वल होता है। इस सूत्र पर एक बार 2018 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, यही सूत्र पूछा था। पथ डिफरेंस का मान आपसे पूछ रहा था, फेज डिफरेंस दिया हुआ था। तब फेज डिफरेंस इनटू लैम्डा बटा में 2 पाई के बराबर हो जाएगा आपका पथ डिफरेंस। पूछा जाए कि पथ डिफरेंस बराबर क्या होगा, तो हम लोग कर सकते हैं ना कि पथ डिफरेंस इज इक्वल टू फेज डिफरेंस मान लीजिए कि लैम्डा है आई इनटू लैम्डा बटा में 2 पाई के क्या करेंगे इक्वल हो जाएगा। ये बात आपसे 2018 में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा हुआ क्वेश्चन। फिर से बात समझिए, दो लाइट वेव जो इंटरफेरेंस उत्पन्न कर रहे थे, पहला का जो फेज था ओमेगा टी प्लस अल्फा वन था, दूसरे का था ओमेगा टी प्लस अल्फा टू। दोनों का अंतर जब हम लोग निकाले तो फेज डिफरेंस निकल गया अल्फा टू माइनस अल्फा वन। अब हमारा काम था कि अल्फा टू का मान निकाल दे और अल्फा वन का मान निकाल दे। तो एस वन पी डिस्टेंस ट्रेवल करने में फर्स्ट वेव जो है कितना एंगल बनाया वो हम लोग कहेंगे अल्फा वन, और एस टू पी जीरो डिस्टेंस जाने में कितना वेव जो है एंगल बनाया उसको हम लोग कहते हैं अल्फा टू। और यह भी हम लोग जानते हैं कि लैम्डा डिस्टेंस पूरा करने में 2 पाई का एंगल बनता है, तो इकाई डिस्टेंस में 2 पाई बटा में लैम्डा हो जाएगा। तो एस वन पी डिस्टेंस में 2 पाई बाई लैम्डा गुणे एस वन पी जीरो हो जाएगा, इसी को हम लोग अल्फा वन कहें। इसको हम लोग क्या कहें अल्फा वन कहें। और एस टू पी जीरो डिस्टेंस जाने में कितना एंगल बना, तो 2 पाई बाई लैम्डा गुणे एस टू पी जीरो के बराबर हुआ, इसको हम लोग क्या कर दिया अल्फा टू कर दिया। ये दोनों मान यहाँ पर रख दिए, रखने से क्या हुआ कि हम लोग का फेज डिफरेंस जो है 2 पाई बटा लैम्डा इनटू पथ डिफरेंस की इक्वल आ गया। ये बात हम लोग निकाल लिए। अब इस बात को नोट कर लिए होगा, देखिए इधर बिठा देते हैं। देखिए दो वेव एक बार फिर से समझ लीजिएगा, यहाँ P0 था यह M था, ये S1 था ये S2 था, यहाँ पर P माने थे हम लोग। हम लोग का आया है क्या कि फेज डिफरेंस जो होता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू H2 P0 माइनस S1 P0 पथ डिफरेंस के इतना के बराबर आया है। इसका मान हम लोग अब निकालेंगे, तब यह मान रख देंगे तो फेज डिफरेंस का मान निकल जाएगा। अब इस ट्रायंगल में बात कीजिए, S1 P0 बराबर इन ट्रायंगल S1 M P0, S1 M P0, S1 P0 स्क्वायर बराबर, देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है पर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हिंदी में भी आप लोग पढ़े होइएगा कि S1 P0 का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है S1 M स्क्वायर प्लस एम पी जीरो स्क्वायर।
H2P0 निकालिए इंट्रेंगल H2MP0 H2MP0 H2P0 का स्क्वायर बराबर H2M का स्क्वायर प्लस MP0 का स्क्वायर हो जाएगा। अंतर निकालिए कि H2P0 स्क्वायर माइनस S1P0 स्क्वायर इज इक्वल टू H2M स्क्वायर प्लस MP0 स्क्वायर माइनस S1M स्क्वायर प्लस प्लस माइनस हो गया घटाना है MP0 स्क्वायर। इतना बात ऊपर का मिटा देते हैं। अब समझिएगा कि H2P0 स्क्वायर माइनस S1P0 स्क्वायर इज इक्वल टू H2M का जो मान था वह था आपका xn प्लस b, इसका होल स्क्वायर हो गया a कैपिटल d स्क्वायर माइनस ये मान आपका है xn माइनस d का होल स्क्वायर। MP0 d के बराबर है तो माइनस d स्क्वायर हो जाएगा या d आपका कट गया। इसको तोड़िए तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया माइनस a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया 2xnd माइनस d स्क्वायर। d स्क्वायर और xn स्क्वायर भी आपका कट गया तो 2xnd और 2xnd 4xnd के इक्वल हो गया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a माइनस b इनटू a प्लस b होता है बराबर आया है 4xnd के बराबर। कितना मिला है अब समझिए कि H2P0 माइनस S1P0 इज इक्वल टू 4xnd बटा में H2P0 प्लस S1P0 के इक्वल जो कि H2P0 लगभग इक्वल S1P0 ये दोनों एप्रोक्सीमेटली जो है कैपिटल डी के इक्वल होता है। तो दोनों का जब मान रखिएगा तो 4xnd बटा में कैपिटल डी प्लस कैपिटल डी हो जाएगा। तो यह हो गया कि 4xnd डी डी मिलकर के 2d हो गया और 2d 4 हो गया। तो H2P0 माइनस S1P0 का मान निकल गया कि 2xnd बटा में कैपिटल डी के इक्वल होता है। अब हम लोग फेज डिफरेंस निकाल लिए कि फेज डिफरेंस बराबर हम लोग आया था 2π/λ इनटू H2P0 माइनस S1P0 ये मान जो है यहां पर तो रखिएगा तो 2π/λ इनटू 2xnd बटा में कैपिटल डी के बराबर होगा। ये मान हो गया आपका फेज डिफरेंस। अब इसी के सहारे जो है सूत्र के सहारे हम लोग ब्राइट और डार्क फ्रिंज के विड्थ का गणना करेंगे। तो जब भी विड्थ का मान निकालना हो कैलकुलेशन करना हो तो आपको पहले दिमाग में बैठाना होगा कि पहले हमें फेज डिफरेंस का मान निकालना है फिर पथ डिफरेंस का मान निकालना और लास्टली जब हम लोग फेज डिफरेंस का जब मान निकालेंगे तो वह मान आपका 2π/λ इनटू 2xnd बटा में कैपिटल डी के इक्वल आता है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। इतना नोट कर लिया आप लोग देखिए इतना मिटा देते हैं। फेज डिफरेंस का मान हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग ब्राइट और डार्क फ्रिंज का चौड़ाई निकालेंगे। तो ब्राइट फ्रिंज लिख करके रेस्ट लीजिए वीडियो पॉज कर करके अभी आप लोग लिखते रहेंगे। ब्राइट फ्रिंज
bright things are obtained on the screen when illumination is maximum. For it has difference is equal to even multiple of pi. Pi का even multiple जब होता है phase difference, तो स्क्रीन पर जो होता है bright fringe प्राप्त होता है. तो phase difference तो हम लोग इतना निकाल ही दिए कि 2 pi by lambda into 2 xn d बटा में capital D और 2 n pi. Pi का even multiple होना चाहिए. When से मल्टीप्लाई कर दिए, we have n is equal to 0, 1, 2, 3 dollar. अब देखिए तो आगे हम करते हैं. यहाँ से 2, 2 आपका कट गया, pi pi भी आपका कट गया. तो 2 x n d का जब मान निकालिएगा, तो n lambda d के बराबर होगा, इसे गुणा कर दीजिए, तो x n बराबर क्या होगा? n lambda d बटा में 2 b के इक्वल. ए टोटल फ्रिंज का चौड़ाई आप लोग निकालिए. अब देखिए, यदि हमको एक फ्रिंज का चौड़ाई निकालना है, स्क्रीन पर मान लीजिए कि 50 फ्रिंज जो है इक्वल इक्वल चौड़ाई पर प्राप्त हुआ है, तो 50 चौड़ाई में से 49 गो का चौड़ाई यदि हम लोग घटा लेते हैं, 49 का विड्थ घटा लेते हैं, तो हम लोग का एक का चौड़ाई निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? फिर से बात समझिए, अगर हम लोग को 11 फ्रिंज प्राप्त हुआ है स्क्रीन पर, अब सबका फ्रिंज का चौड़ाई जो कि सेम होता है स्क्रीन पर, और एक फ्रिंज की चौड़ाई निकालनी है, तो 11 को टोटल चौड़ाई में से, टोटल विड्थ की चौड़ाई में से 10 का चौड़ाई हम लोग घटा देते हैं, तो एक का चौड़ाई निकल जाएगा. कहने का अर्थ हुआ कि विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल टू xn प्लस 1 माइनस xn कर देंगे, अंतिम में से जस्ट उसके पहले वाला घटा देंगे, तो एक का चौड़ाई आपको निकल जाएगा. अब n के जगह पर इसमें n प्लस 1 रख दीजिए, तो देखिए तो n प्लस 1 इनटू लैम्डा d बटा में है 2d, और xn का मान यहां दिया ही हुआ है कि n लैम्डा d बटा में हो गया 2d आपका. एलसीएम लीजिए 2d, ये मल्टीप्लाई कीजिए, तो n लैम्डा d प्लस लैम्डा डी माइनस एन लैम्डा डी हो गया, एन लैम्डा डी आपका कट गया. तो ब्राइट फ्रिंज का जो चौड़ाई होगा, जिसको कि बीटा से हम लोग डिनोट करते हैं, वो होगा आपका लैम्डा डी कटा में 2 डी के इक्वल होता है. ये आपका ब्राइट फ्रिंज का चौड़ाई होगा. नोट करिए इसको. देखिए डार्क फ्रिंज आप लोग अभी हेडिंग दे दीजिए, डार्क फ्रिंज. तो डार्क फ्रिंज आर ऑब्टेंड ऑन द स्क्रीन वेयर इल्यूमिनेशन इज मिनिमम. जब इल्यूमिनेशन मिनिमम होता है तो डार्क फ्रिंज प्राप्त होता है. फॉर इट फेज डिफरेंस इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई. डार्क फ्रिंज के लिए ऑड मल्टीपल होना चाहिए पाई का, और ब्राइट फ्रिंज के लिए इवन मल्टीपल होना चाहिए पाई का. अब समझिएगा थोड़ा सा. फेज डिफरेंस आया था 2 पाई बाय लैम्डा इनटू 2xn d बाय कैपिटल डी. इसका मान होना चाहिए पाई का ऑड मल्टीपल.
मतलब कि 2n plus 1 into pi में इक्वल होना चाहिए, where n बराबर 0, 1, 2, 3 डॉट। 0 रखिएगा तो 1 हो जाएगा, 1 रखिएगा तो 3 हो जाएगा, 2 रखिएगा तो 5 हो जाएगा, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा, देखिए एक और मल्टीपल हो गया पाई का। हल कीजिए पाई पाई देखिए बट गया। तो हल करेंगे तो 4x n d is equal to 2n plus 1 into lambda d k equal to k. तो x n बराबर 2n plus 1 into lambda d अब आटा क्या हो गया आपका 4d। फिर उसी ढंग से कि जस्ट अंतिम में से पर जस्ट उससे पहले एको घटा देंगे तो एक फ्रिंज का चौड़ाई आपको निकल जाएगा। तो विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज बीटा डैश इसको मान लीजिए, एक्स एन प्लस वन में से घटाना है हमको एक्स एन का मान अंतिम वाला में से जस्ट उससे पहले वाला का मान जब निकालेंगे तो एक का चौड़ाई निकल जाएगा। यहाँ पर n के जगह पर n प्लस 1 रखेंगे तो देखिए बीटा डैश इज इक्वल टू 2 इंटू एन प्लस 1 प्लस 1 है इंटू लेमडा डी है बटा में 4 डी है माइनस एक्स एन का मान सीधा पूरा रख दीजिए कि 2n प्लस 1 लेमडा डी अब बटा में 4 डी है। अब आप फॉर्म कीजिए 4d आपका एलसीएम हो रहा है तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2n प्लस 3 हो गया 2n प्लस 3 इंटू लेमडा डी माइनस 2n प्लस 1 लेमडा डी। देखिए ऊपर में थोड़ा मिटा देते हैं आप लोग वीडियो पॉज करके लिखते रहिएगा। हल कर देते हैं कि बीटा डैश बराबर इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 2n लैम्डा डी प्लस 3 लैम्डा डी माइनस 2n लैम्डा डी माइनस लैम्डा डी बटा में है 4d। तो 2n लैम्डा डी आपका कट गया 3 लैम्डा डी में से लैम्डा डी घटाइएगा तो 2 लैम्डा डी बाटा में हो गया 4d। ये दो दोनी चार बार में बढ़ गया तो लेमडा डी बाटा में 2d हो गया। तो बीटा डैश का भी मान आपका लेमडा डी बाटा में 2d आया। देखिए ब्राइट फ्रिंज का भी चौड़ाई इतना ही आया और डार्क का भी इतना ही आया, मतलब कि जो स्क्रीन पर ब्राइट और डार्क जो फ्रिंज प्राप्त होता है उसकी चौड़ाई जो होती है वो समान होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल टू विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज इज इक्वल टू लैम्डा डी बटा में 2d के इक्वल होता है। इसको बीटा से डिनोट किए थे, इसको बीटा डैश से डिनोट। एक बार ब्राइट प्राप्त होगा डार्क हो गया यह फिर ब्राइट फिर ब्राइट हो गया सबका चौड़ाई जो होता है वह सेम होता है फिर ब्राइट हो गया फिर डार्क मान लीजिए कि हो गया फिर ब्राइट होता है फिर डार्क होता है फिर ब्राइट फिर डार्क होता है फिर ब्राइट होता है। इस ढंग से समान चौड़ाई का आपको फ्रिंज जो है स्क्रीन पर दिखाई देगा।
यह हो गया आपका डार्क ए ब्राइट ए डार्क ए ब्राइट ए डार्क ए ब्राइट ए डार्क ब्राइट डार्क और ब्राइट इस ढंग से अल्टरनेट पर, पर माने पट्टियां जो है बैंड्स जो है स्क्रीन पर प्राप्त होते हैं। तो इतना आप लोग जो है इस ढंग से पढ़ते रहिए मन लगा करके इस क्वेश्चन को बार बार देखिए क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा है समझने का प्रयास कीजिए। जो भी दिक्कत रह गई होगी उसे आप लोग जो है मेरे मोबाइल के जरिए भी आप लोग पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए भी आप लोग पूछ सकते हैं और मन लगा करके घर पर सुरक्षित रहिए पढ़ते रहिए। और आज के लिए इतना ही अगले क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। ओके धन्यवाद।